हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो मिशन 2023 में जमकर हम लोग बेहतरीन टाइप का माहौल मचा ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हम लोगों को प्यार दिखा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब तक की कड़ी में मैं अनिश्चित समाकलन की बात किया और आज मैं एक खंडसा समाकलन को ख़त्म कर दूंगा। और इससे पहले मैं आपको बेसिक बता दिया, समाकलन की विधियाँ चालू किया जिसमें ये पहला विधि और दूसरा विधि ऑलरेडी आप लोग को वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, वीडियो आ चुके हैं। आज खंडसा समाकलन करूंगा और इस टॉपिक को ये वाला जो पूरा है ये आज खत्म हो जाएगा, फिर एक वीडियो में इस प्यारे से बच्चे को भी खत्म कर देंगे। तो दो वीडियो अध्याय खत्म। 13 नंबर का है ये अध्याय और 13 नंबर आपकी झोली में, 13 नंबर डायरेक्ट 13 नंबर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान से देखना, खंडसा समाकलन आप लोग का हेडिंग डालोगे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, बस ध्यान से, बस ना मेरे साथ बने रहिए आप लोग। देखो U into V वाला फॉर्मूला, जब मैं अवकलन की बात करता हूँ, जब मैं अवकलन की बात किया था तो मैं इसमें यू इंटू वी का फॉर्मूला आप लोग को बताया था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब यू और डिफ्रेंसिएशन सेकेंड फंक्शन का अभी सब एक्स के सापेक्ष चल रहे, प्लस वी डिफ्रेंसिएशन यू एक्स के साथ, ये आप लोगों में बताया था एक चीज ना, बस ध्यान से देखना आपको। अब इसमें जो है इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यू को एज इट इज उतारो, दूसरा वाला जो फंक्शन है वी उसका इंटीग्रेशन करो वी डी एक्स, फिर माइनस और ये होल इंटीग्रेशन, ठीक है। बस ध्यान से देखना, फिर क्या करना है आपको, फॉर्मूला है एक बार प्रैक्टिस करो तो याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस करके इंटीग्रेशन लगाया, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब यू का कर दो डिफरेंशिएशन, इनटू वी का फिर से कर दो इंटीग्रेशन, वी डी एक्स, ये और ये डी एक्स, याद करोगे तो हो जाएगा, डरो घबराओ मत, फॉर्मूला है, समझ में आया। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सर ये नहीं हो सकता। तो ये किसके केस में था, अवकलन के केस में था और ये समाकलन के केस में, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहाँ क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन होल में लगाया, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये dx। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पे ना समाकलन में मैं एक चीज बात बोल दिया था, अवकलन में एक चीज बोला था मैं आपको, बताऊँ क्या चीज, आईलेट, आपको मालूम है आईलेट। एक्चुअली ध्यान से सुनना, ये जो आईलेट वाला जो है ना कंसेप्ट, ये बताता है कि u किसको हम पहले ले, ये सिर्फ ना इसमें इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आप u किसी को भी ले सकते हो, v किसी को भी ले सकते हो, लेकिन मैं बार बार स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर इसमें u और v आईलेट से देखना है कि इसमें u और v आईलेट से देखना है, तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। तो बच्चे कभी क्या करते हैं, इसमें यू और वी किसी को भी ले देते हैं और इसमें आईलेट से देखते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या किया, दोनों में आईलेट ले लो, समझ गए। तो अवकलन में मैं आईलेट को मैं यू लेने के लिए बोला, जो आप मेरा अवकलन का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है, अभी और बताऊंगा, पहले आईलेट क्या है बता देता हूं। आई का मतलब होता है इनवर्स को बोलते हैं प्रतिलोम, आप पूरा लिखेंगे जैसे ये होता है ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे करके ये इनवर्स जो होगा, या कॉस इनवर्स वाई कुछ भी हो सकता है, इनवर्स वाला जो फंक्शन होगा पहले अगर आया तो वो यू होगा। एल क्या होता है, लॉग वाला कोई भी जो टर्म है वो आया तो उसको यू ले लेंगे, पहले सबसे पहले किसको देखेंगे, इनवर्स आ गया तो उसको यू ले लेंगे, अगर इनवर्स नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लॉग वाला है क्या, लॉग वाला है तो उसको यू ले लेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। ये होता है अलजेब्रा बीजगणित, ये क्या होता है बीजगणित, अलजेब्राइक बोलते हैं,
जैसे कुछ भी हो गया एक्स वाई वन टू ऐसे करके कुछ नंबर हुआ है ना, एक्स वाई ऐसे चर अचर पद हुआ, तो ये हम लोग एल्जेब्राइक को लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इनवर्स है क्या, यू ले लो, नहीं है तो आगे बढ़ा मैं, लॉग है क्या, यू ले लो, नहीं है आगे बढ़ा मैं, फिर एक्स वाई और कोई कांस्टेंट है क्या, उसको ये यू ले लो। और ये होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स कॉस एक्स, साइन कॉस टेन जो भी, साइन कॉस टेन एक्स कुछ भी है ना। यहाँ पे देखो इनवर्स है और ये इनवर्स नहीं है ना, ध्यान रखना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और ये लास्ट वाला होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की घात कुछ होती है ना वो। तो u हम लोग कैसे लेते हैं, ये हम लोग डिसाइड करेंगे किस में, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में। यहाँ पे आके कंक्लूड किया मैं, यहाँ पे भी बता दिया था कि u हम लोग किसी को भी नहीं लेंगे, u हम लोग आईलेट को देखेंगे तब हम लोग बताएंगे u किसको ले। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आईलेट से नहीं देखना पड़ता, किसी को भी यू ले सकते हो, इसमें देखना पड़ता है, इसमें इम्पॉर्टेंट है आईलेट, इसमें इम्पॉर्टेंट है, पर मैं यहाँ पे भी बता दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मान के चलो ठीक है भाई, हम लोग जो यू है ना वो इसमें भी आईलेट से देखेंगे, इसमें भी आईलेट से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बार बार ना स्टूडेंट फंस जाते हैं, स्टूडेंट यहाँ आईलेट लेते हैं यहाँ नहीं लेते तो फंस जाते हैं फिर यहाँ पे, तो वो कोई हिसाब ना हो। तो इस फॉर्मूले में हम लोग आईलेट से जाएंगे, लेकिन 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 आईलेट इंटीग्रेशन के लिए ही होता है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी यू लो किसी को भी वी लो। क्लियर है क्या? अब ये जो आईलेट है, अभी किसी को समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन वन में अभी सब समझा रहा हूं मैं। तो देखो क्वेश्चन वन जब मैं समझाता हूं ना तो आप लोग मेरे को समझो, मैं ना थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि गणित है। अगर आप लोग यहीं पे समझ में नहीं आया होगा और आप लेक्चर को स्किप करके आगे बढ़ गए ना तो इसका आप लोग का लॉस है। गणित थोड़ा सा टाइम मांगता है, गणित टाइम मांगता है और खासकर 12वीं का गणित, याद रखना। तो देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व किया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको ना अप्रोच देखो, मैं लेवल वन में खड़ा हूँ। लेवल वन में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला से जो आ गया वो आ गया। देखो क्या मैं कभी x इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला लिखाया हूँ, नहीं लिखाया हूँ, तो लेवल वन से नहीं बनेगा। लेवल टू में जाओ, प्रतिस्थापन में जाओ, कि प्रतिस्थापन में किसी को हम लोग t मान सकते हैं क्या? किसी को t माने और उसका उसका डिफ्रेंसिएशन वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। दो फंक्शन है। तो बताओ मैं किसको टी मानूं, किस किस फंक्शन को मैं टी मानूं, और जिसको टी मानूंगा उसका डिफरेंशिएशन क्या अवेलेबल है? साइन एक्स का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, अवेलेबल नहीं है। एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा, क्या करूं? तो सेकंड लेवल भी हमारा खत्म हो गया, मैं थर्ड लेवल में गया। थर्ड लेवल क्या होता है? थर्ड लेवल हम लोग का भिन्न रूप वाला था, क्या इसको भिन्न रूप में तोड़ सकता हूं? भिन्न रूप में भी नहीं कर सकता। तो अब आया खंडशः समाकलन, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। u इंटू वी में दो फंक्शन होना चाहिए, एक u मानेंगे एक को v मानेंगे। अब u किसको माने? u हम यहाँ से देखेंगे आईलेट इनवर्स, क्या कोई प्रतिलोम फंक्शन है क्या इसमें? प्रतिलोम फंक्शन नहीं दिखा, आगे बढ़े। क्या लॉग वाला फंक्शन है क्या? लॉग वाला फंक्शन भी नहीं है। क्या अलजेब्रिक बीजगणित फंक्शन, बीजगणित है क्या? हाँ है, एक्स है। उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो जो पहले आया उसको u मानेंगे। तो पहले क्या आया? x आया, बीजगणित वाला। तो u में किसको माना? u में माना x को, और v किसको माना? sin x को, sin x। अब फॉर्मूला ये लिखा है, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू v dx का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फॉर्मूला सर ये होता है, यहाँ पे मैं लिखा फॉर्मूला होता है, यहीं पे लिख देते हैं जगह बढ़ा के, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ये फॉर्मूला है। तो अब चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं। आप यू क्या है? एक्स, तो एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, वी क्या है? साइन एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या है? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। यू क्या है? यू तो एक्स है सर। इंटीग्रेशन वी डी एक्स, वी क्या है सर? साइन एक्स है सर, साइन एक्स सर, साइन एक्स डी एक्स और ये सर डी एक्स। बोलो भाई ये हुआ। अब ना देखो
ये x हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, ये माइनस लगाया कॉस x, ये माइनस, ये इंटीग्रेशन। यहां से देखो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है, 1 होता है ये 1 गुणा साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस कॉस x, माइनस कॉस x, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx यहां लगा, बस ध्यान से देखते रहना। तो ये क्या होने वाला है सर, ये ना माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक का गुणा माइनस कॉस एक्स से करूंगा तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स, क्लियर है क्या? तो अब क्या आया, सीधा आंसर आएगा, देखो क्या है, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस को मैं बाहर निकाल दिया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो क्या बचा, कॉस एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स ये है, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, और यहां पे प्लस सी, ये हो गया मेरा उत्तर, ये हो गया मेरा उत्तर, ये हो गया मेरा उत्तर। तो ध्यान से देखना, ये आईलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो तीन राइट दिया मैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो सॉल्व किया मैं, सॉल्व किया, देखो यू और वी किसको मानना है, सबसे पहले देखो यू किसको मानना है, वी किसको मानना है, तो अपने मन में बसा लो भाई आईलेट को, आई एल ए टी ई, आईलेट को। आई फॉर इनवर्स, देखो कोई भी प्रतिलोम वाला फंक्शन है क्या, इनवर्स वाला नहीं है, आगे बढ़ो, लॉग वाला है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो, एल्जेब्राइक वाला है क्या, हाँ एल्जेब्रा वाला है, ये एक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्रा है, ये ई की पावर एक्स तो एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में, ठीक है, तो यू जो पहले आया, तो यहां पे ए जो एल्जेब्राइक फंक्शन है ये एक्स है, एक्स वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ये है, तो पहले कौन सा आया उसको यू लेंगे, ये पहले आया तो ये यू हो गया, और जो बच गया वो वी हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, लेकिन आप पेपर में फॉर्मूला लिखोगे, आप पेपर में फॉर्मूला लिखोगे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, अब हर बार फॉर्मूला तो ना लगाऊंगा ना बच्चों, लेकिन पेपर में लगाना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है, यू एज इट इज लिखो, यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये क्या है, वी, वी की वैल्यू है ना, वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, क्या बोलता है, यू का डिफरेंशिएशन, यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर क्या बोलता है, इंटीग्रेशन वी का, वी क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, है ना, बाहर में डी एक्स लगता है, ध्यान देना। अब क्या हुआ भाई, ये एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स होता है, टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है ये डी एक्स। ध्यान से देखना, अभी रोचक बात आने वाला है, यहां पे हम करें एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस, ये दो मेरा कॉन्स्टेंट है ना, दो मेरा अचर पद है, उसको बाहर कर दिया, ये दो को मैं बाहर करा तो क्या बचा, x e की पावर x, x इंटू ई की पावर x dx। अब बताओ रोचक बात क्या है, यहां पर फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, दो फंक्शन दिख गए मेरे को, यहां पे दो फंक्शन दिख गए, ये देखो पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन है, बीजगणित वाला और एक्सपोनेंशियल वाला, तो वही आ गया, सबसे पहले एल्जेब्रा आया, उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल आया, तो यहां पे भी u में किसको मानूंगा, यहां पे भी बताएंगे, यहां पे u में माना x को और v किसको माना मैं, e की पावर x को, तो जो बचा उसको लिखते जाओ, x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, अब फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा u इंटू वी का, फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, u को एज इट इज लिख दो, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, ये आया। वाओ क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है यार, ये क्या क्वेश्चन है, यही तो इंपॉर्टेंट है, और यही तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन तो आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन तो आएगा, तो रुके रहो, क्या क्या है बता रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस टू, माइनस टू एक्स का x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होता है 1 इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज करूं, ये dx, ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर dx है ना, हाँ तो यहाँ पे dx नहीं आएगा, ये dx नहीं आएगा, ओके ओके ये हो गया,
ध्यान से बस देखते रहना ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्लियर है क्या? ये ऐसे लिखा माइनस टू एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन ये, और यहां पे डी एक्स आएगा, यहां पे डी एक्स, ये डी एक्स। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख दिया मैं, बस ध्यान से देखते रहो, आंसर आ गया माइनस टू। ये क्या है एक्स इंटू ई एक्स माइनस वन इंटू ई एक्स, क्या होगा ई एक्स होगा, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होगा, तो ये हो गया ई एक्स। गजब, अब आ गया मेरा आंसर, ये मैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस माइनस टू को मैं अंदर गुणा कर रहा हूं, माइनस टू को अंदर कर रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, तो टू एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा। माइनस टू को अंदर गुणा करूंगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया टू ई की पावर एक्स हो गया। अब आप लोग चाहो तो e की पावर x को कॉमन निकाल सकते हो, आप लोग अगर चाहो तो e की पावर x को कॉमन निकाल दोगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से e की पावर x को ले लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पे 2x, e की पावर x को कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे बचेगा 2, ये हो गया मेरा आंसर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है बताऊँ, प्लस सी भी लगाना है सब में, तो पहले वाले क्वेश्चन में प्लस सी लगा रहे थे कि नहीं हम लोग, प्लस सी, तो डायरेक्ट मैं आंसर में लगा रहा हूँ प्लस सी, हाँ डायरेक्ट आंसर में लगाया प्लस सी, हाँ इंटीग्रेशन होता है तभी प्लस सी लगाते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया था, जहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद प्लस सी लगाना है, तो यहाँ ये इंटीग्रेशन समाप्त हुआ, प्लस सी ठीक है। यहाँ पे ये आंसर को थोड़ा मिटाओ, यहाँ तक में मैं कॉमन निकाला और ये प्लस सी, ये मेरा हो गया आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, अब यू और वी बताओ यार, U और V बताइए, U और V, तो यहाँ पर सर आईलेट देखेंगे सर, आई एल ए टी ई आईलेट, सर इनवर्स प्रतिलोम, कहीं पे इनवर्स नहीं है सर, लॉग, अरे सर एल्फोर तो लॉग हो गया, और लॉग वाला तो है सर, ये लॉग वाला तो है, उसके बाद एल्जेब्राइक टर्म है सर, उसके बाद है, तो पहले क्या आया सर, लॉग आया, तो जो पहले आया सर वही तो U है, तो लॉग बेस ई एक्स तो U है, तो V क्या है सर, ये X है V, क्लियर है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, पहले u, u क्या है मेरा log बेस ई एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ u, u क्या है log बेस ई एक्स dx, ओके सर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, सर v क्या है सर x है सर, x dx, और सर ब्रैकेट के बाहर भी dx लगता है, जो कि भूलना नहीं है, जो कि एग्जाम में भूलेंगे सर हम लोग, पर आप पढ़ा रहे हो तो नहीं भूलेंगे, तो लॉग बेस ई एक्स ऐसी लिख दो, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ध्यान से देखते रहना, पूरा का इंटीग्रेशन होगा तब लास्ट में सी लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन बाई एक्स, वन बाई एक्स गुणा एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू यहाँ पे है डी एक्स, ये वाला डी एक्स, क्लियर है क्या? तो क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है एक बार देख लो यार, लॉग बेस ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ओके माइनस, यहाँ पे ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो ये एक्स से यहाँ का एक्स कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दो दो एक्स है, तो एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो एक्स बस बचा एक्स बाई टू, ये एक्स बाई टू डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग बेस ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये वन बाई टू को बाहर कर लिया, तो वन बाई टू को बाहर कर लिया तो एक्स डी एक्स बचा, तो अब ना लास्ट एंड फाइनल गेम खेला मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू वन बाई टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, लास्ट में डाल दो सर प्लस से, ये हो गया। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से वन बाई टू कॉमन निकाल सकते हो, नहीं तो यही आंसर छोड़ सकते हो, ये है आंसर है, चाहो तो 1 बाई टू इसमें कॉमन निकाल लो, तो 1 बाई टू देखो यहाँ पे भी 1 बटा दो है, यहाँ पे भी 1 बटा दो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको पहले लिख दो एल्जेब्राइक टर्म को, एक्स स्क्वायर लॉग बेस ई माइनस 1 बाई टू को निकाला, यहाँ से 1 बटे दो है ना, कुछ नहीं है तो ऊपर एक है, 1 बटे दो को निकाल दिया तो लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर, हाँ वही लिखा, इस 1 बटे दो को निकाल दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये प्लस सी, ये आंसर हो गया, इसको भी आप आंसर बोल सकते हो, हाँ दोनों आंसर करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। तीन क्वेश्चन देखो फटाफट बन रहे, ये देखो अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखो सर, लेवल वन से जाऊंगा, लेवल वन में ना सर
साइन का फॉर्मूला है सर, साइन का फॉर्मूला है, ध्यान से देखना है, क्या गजब का चीज है ये सर। देखो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला है सर कॉस एक्स, सर साइन एक्स का सर इंटीग्रेशन भी है सर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी है सर माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहां पे ना सर साइन इनवर्स, सॉरी है ना, यहां पे साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है सर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ना और मजे की बात बताऊं उल्टा होता है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है सर वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का उल्टा ना, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो ये होता है सर साइन इनवर्स एक्स। अब बताओ मजे की बात क्या है कि यहां पे ना साइन इनवर्स एक्स का ना डिफरेंशिएशन नहीं पूछा, डिफरेंशिएशन अगर पूछता तो डायरेक्ट ये आंसर लगा देता, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहे, और इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स एक्स का होता ही नहीं, होता ही नहीं है। तो पहले लेवल से जाऊं तो होता ही नहीं, अब दूसरे लेवल में जाऊंगा, दूसरे लेवल प्रतिस्थापन में किसी को टी मानता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन वहां अवेलेबल होना चाहिए और दो फंक्शन होना चाहिए, यहां तो दिख रही नहीं, किसको टी मानूं, किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो लेवल थ्री में गया, आंशिक रूप में कैसे तोड़ूं, ए अपॉन इतना प्लस बी अपॉन इतना, आंशिक रूप में भी तोड़ नहीं सकता, तो चौथा में गया यू इंटू वी में। यहां पे भी बोलोगे सर यू और वी कहां दिख रहा है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो ऐसे केस में क्या करोगे, जब कभी भी इनवर्स वाला आ गया तो देखो क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो एक गुणा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, बताओ लिख सकते हो, यही तो आएगा ना, साइन इनवर्स एक्स को एक गुणा इतना लिख सकते हो, अब हो गए दो। अब यू और वी मानो, तो सबसे पहले देखो यू और वी किसको लोगे, आईलेट होता है, आईलेट सबसे पहले क्या था इनवर्स, और इनवर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब ये हो गया इनवर्स को इसको यू माना और जो बच गया उसको वी माना, तो इसको यू किसको मान रहा हूं मैं साइन इनवर्स एक्स को, और वी किसको माना एक को, समझ में आया। तो ये वाला आप लोग को बस समझना था, ये समझ गए तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, जब इनवर्स आया तो ऐसे करके कर देना, फिर यू मान लेना इनवर्स, आईलेट में आई क्या होता है इनवर्स, यही है तो है इनवर्स, ठीक है, इनवर्स के बाद ही आता है अलजेब्रा बीजगणित, तो ये हो गया। अब ठीक है ना सर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं सर, फॉर्मूला क्या होता है, यू एज इट इज ये साइन इनवर्स एक्स, ये सर साइन इनवर्स एक्स, और वी का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन सर इंटीग्रेशन वी मतलब वन डी एक्स ये डी एक्स, क्लियर है क्या। अब देखो ध्यान से देखते रहना ना, आई ऐसे लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है वो। अब सर यहाँ पे ना साइन इनवर्स एक्स वन इंटू डी एक्स, डी एक्स होता है और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, पहले वीडियो में जाओ पढ़ के आओ, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तो लिखा है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन इंटू डी एक्स क्या होता है डी एक्स होता है और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ये एक्स ठीक है, ये ब्रैकेट में मैं क्लोज किया, ये डी एक्स, बस ध्यान से देखते रहना ना, मजेदार चीज है, इसको थोड़ा सा ना हटा देता हूँ, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ आपको एकदम, मतलब यार ये तो चार नंबर के लिए पूछ सकता है इसको, ध्यान से देखना, आप लोग के डिमांड पे पेन बदला मैं। अब देखो क्या है, ध्यान से बस देखते रहना ना, लास्ट है ये, लास्ट क्वेश्चन है ये, अरे इंटीग्रेशन कैसे डाल रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या है बताओ तो, साइन इसको एक्स को पहले लिख लो, साइन इनवर्स एक्स ओके सर, माइनस सर माइनस ओके सर, एक गुणा एक्स सर एक्स हो गया, बटे क्या है सर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है सर डी एक्स, ये डी एक्स, ध्यान से देखना यहाँ पे कलाकारी क्या किए, कलाकारी पहला कि एक का गुणा करना है, ये कलाकारी पहला। अब दूसरा कलाकारी बताऊँ क्या है, प्रतिस्थापन विधि, अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, प्रतिस्थापन विधि करेंगे, तो ये कलाकारी नंबर टू ये स्टार। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, ध्यान से देखना, वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी माना तो अब डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, यहाँ पर आ गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो क्या आया माइनस टू एक्स
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बस ध्यान से देखते रहना, ये वाले टर्म का तो जुगाड़ हो गया, इसका जुगाड़ हो गया, क्या बताओ, इसका जुगाड़ हो गया। इसको तो मैं टी पुट कर दूंगा, इसको टी पुट कर दूंगा, मेरे को सब एक्स को हटाना है और टी के टर्म मिलाना है। अभी किसका जुगाड़ करना है, एक्स और डी एक्स का, मेरे को जुगाड़ करना है एक्स इंटू डी एक्स का, एक्स इंटू डी एक्स का। यहाँ पे देखो एक्स इंटू डी एक्स आ गया, ये देखो एक्स इंटू डी एक्स, ये बस माइनस टू को इधर कर देता हूँ ना, तो ये एक्स डी एक्स क्या आ गया, डी टी बाई माइनस टू। ये देखो इसका मैं जुगाड़ कर लिया। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, I इज इक्वल टू, हाँ ये एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स क्या है, एक्स डी एक्स डी टी बाई माइनस टू, डी टी बाई माइनस टू इंटू अंडर रूड, इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूड, अंडर रूड ये टी हो गया, अंडर रूड टी हो गया। क्लियर है क्या, अंडर रूड टी क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, फिर आप लोग का होमवर्क, इसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इसके बाद देखो मस्त एक और कलर का पेन में लिया। इसके बाद क्या है, x ये तो है ना, x साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक बटा दो को बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एक बटा दो को बाहर निकाला तो क्या बचा, वन अपॉन अंडर रूट टी डी टी। क्लियर है क्या, ध्यान से देखो इसके बाद वाला, इसके बाद वाला सर क्या करोगे सर आप, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस वन बाई टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन टी की घात एक बटे दो, एक बटे दो हर में है, अब उसकी घात ऊपर ले जाऊंगा, रूट टू को मैं लिख सकता हूं टी की घात एक बटे दो। अब इसको मैं ऊपर अगर ले जाऊंगा, टी की घात एक बटे दो को ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा टी की घात माइनस एक बटे दो, माइनस एक बटे दो डी टी। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो यार, बस इसमें फॉर्मूला लगा दो, बस इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें बता रहा हूँ ना, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, देखो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसमें, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगने वाला है, एक्स की पावर एन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बस एक्स की जगह क्या है टी है, तो क्या हो जाएगा टी की पावर एन प्लस वन, एन क्या है माइनस एक बटे दो प्लस वन, यहाँ पे माइनस एक बटे दो प्लस वन। अब लास्ट में इंटीग्रेशन तो हो गया, इंटीग्रेशन तो हो गया, तो हम लोग को क्या करना है, सी डाल देना है, इंटीग्रेशन तो हो गया ना, तो प्लस सी डाल दो, प्लस सी डाल दो, ये इधर का है, प्लस सी डाल दो। तो अब आपका होमवर्क क्या होगा, एक स्टेप करोगे, चलो यार मैं ही कर देता हूँ, आप लोग क्या है मेरे गुड स्टूडेंट हो, तो ये लो ना आ गया आंसर, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस एक बटा दो, यहाँ पे देखो टी हाफ में एक गया, हाफ बचेगा, एक में हाफ गया, एक में हाफ गया, हाफ बचेगा, तो टी की पावर वन बाई टू, और यहाँ पे एक में हाफ गया, अरे एक में आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा भाई, प्लस सी, ये हो गया क्या, ठीक है, ये वन बाई टू है तो ये टू ऊपर चला जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स वन प्लस, यहाँ पे प्लस वन बाई टू, वन बाई टू, यहाँ पे एक बटा दो है तो ऊपर चला जाएगा दो, ये क्या हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा, और टी की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, ये रूट टी हो जाएगा, एक बटा दो है नीचे, एक बटा दो है तो ऊपर आ जाएगा, ये दो ऊपर आ गया, अब ये क्या है, टी की घात एक बटे दो मतलब रूट टू, सॉरी रूट टी, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू कहाँ रखे हम लोग, टी की वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर, अरे भाई रूट टी होता ना, टी की पावर वन बाई टू को रूट टी बोलता, उसके बाद टी की वैल्यू रखता तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, ये प्लस सी। अब यहाँ से टू और टू कैंसल हो जाएगा, टू और टू कैंसल हो गया तो जो बचा वो मेरा आंसर, जो बचा वो मेरा आंसर, प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा आंसर हो गया, हो गया खत्म, ये टॉपिक भी खत्म, अनिश्चित समाकलन भी खत्म। तो देखो क्या बनाया मैं, ये देखो बेहतरीन टाइप से बताया, ये पूरा चीज पूरा स्टोरी क्रिएट किया, तो ऐसे पढ़ते हैं, तो ऐसे पढ़ते हैं बच्चों। मिलता हूँ बच्चों लास्ट वीडियो में, इस अध्याय का लास्ट वीडियो, अगला वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला निश्चित समाकलन में, उसके बाद नया चैप्टर हम लोग चालू करेंगे, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।